नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जवान रिलीज हो चुकी है और ट्विटर पर इसके फैंस बेस्ड रिव्यूज की बौछार है। सिनेमा थिएटरों से वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। अब तक आपको पता लग गया होगा कि फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में है। उनके लुक्स भी सभी प्लेटफॉर्म पर रिवील हो चुके हैं। इसके अलावा आपको फिल्म में और क्या सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है, चलिए हम बताते हैं। इसलिए पहले ही आपको बोल देती हूँ कि ये आप अपने ही रिस्क पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सरप्राइज एलिमेंट मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि जवान देखने जाएंगे और हमें वो सरप्राइज एलिमेंट को सरप्राइज ही रहने देना है, तो देखिए, वॉच इट एट योर ओन रिस्क। फिल्म में इंटरवल तक आने से कुछ मिनट पहले ही आपको दीपिका पादुकोण नजर आती हैं। अचानक से कैटेगरी दौर से चलते हुए फिल्म रिवर्स गियर लेकर 1986 के बरनाल में पहुंच जाती है, जहां विक्रम राठौड़ यानी कि शाहरुख खान लड़ रहे होते हैं। ऐश्वर्या, जिनका किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है, उनकी एंट्री सीन हमेशा की तरह ग्लैमरस रहा। साड़ी पहनते हुए दीपिका का कुर्ती सीन फ्रेम में बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री ओम शांति ओम की याद दिलाती है। हालांकि दीपिका और शाहरुख का सीन चंद मिनट का ही है। इसके बाद दीपिका के सारे शॉट्स जेल के हैं। इस 10 मिनट के रोल में दीपिका बहुत स्ट्रॉन्ग लगी हैं। एक अलग रूप में दीपिका को देखना दर्शकों के लिए फ्रेश प्रोजेक्शन रहा है। अभी तक फैंस ने उन्हें किसी माँ के किरदार में नहीं देखा होगा। हालांकि अब मलाल जरूर सबके मन में रह सकता है कि काश दीपिका का रोल थोड़ा और बड़ा होता, तो उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते सभी लोग। जरा सोचें, फिल्म में सॉन्ग पर बादशाह नाच रहे हो और उसी बीच एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जिन्होंने उन्हें नचवाया है, तो जाहिर सी बात है तालियां बजेंगी ही। हाँ, फिल्म के एक सॉन्ग में डायरेक्टर एटली और शाहरुख के मूव्स का भी सरप्राइज है। इनके डांस की टोनिंग एक बॉलीवुड फिल्म में साउथ के फ्लेवर के तड़के की तरह लगती है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जी हाँ, कुछ समझे, संजय दत्त है बड़ा सरप्राइज। क्लाइमेक्स सीन के कुछ मिनट पहले एक और बॉलीवुड के बड़े एक्टर की एंट्री होती है इस फिल्म के अंदर, वो है इंडस्ट्री में मशहूर खलनायक संजय दत्त। मजेदार बात तो यह है कि इस फिल्म में उनका नाम माधवन नायक रखा गया है और वो अपने सीन में आइकॉनिक डायलॉग नायक नहीं खलनायक हूं मैं का भरपूर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। उनकी एंट्री फिल्म में एक फ्रेश एहसास जगाती है और लुक तो भाई साहब कमाल का है। स्कूटर में सफेद धोती और एविएटर चश्मा लगाए जब वो आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। कार्तिक आर्यन ने इंडस्ट्री में एक मोनोलॉग का ट्रेंड देखिए सेट कर दिया है, हम सब जानते हैं, जिसे अब बाकी एक्टर्स भी फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में रवि दुबे अपनी एक फिल्म में अब तक का सबसे लंबा मोनोलॉग बोलकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। भला किंग खान कहां इसमें पीछे रह सकते हैं। अगर बादशाह मोनोलॉग बोले और फैंस उसे तवज्जो ना दें, ये तो देखिए नामुमकिन है। इसलिए क्लाइमेक्स के दौरान किंग खान हीरोइक अंदाज में एक बेहद जरूरी मैसेज के साथ मोनोलॉग की शुरुआत करते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट के इस मोनोलॉग में उन्होंने आज के यूथ को जगाते हुए देश की राजनीतिक व्यवस्था में तंज कसा है। हो सकता है आने वाले वक्त में उन्हें इसके लिए नेगेटिविटी भी झेलनी पड़े, लेकिन ये बात कहनी जरूरी है कि उनके इस मोनोलॉग में कहीं ना कहीं एक लाइन हमारे सिस्टम की पोल खोलती है। इस मोनोलॉग को पॉलिटिकल और सोशल इश्यू में चुप्पी साधने वाले शाहरुख खान की जवाब समझ सकते हैं आप लोग, और मुझे लगता है शायद उसी इंटेंशन से हो सकता है रखा भी गया हो। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये फिल्म, और अगर जाने वाले हैं जल्द इसे देखने तो भी बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने कब जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।